सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है सेकेंड डे और हम जा रहे हैं अपने यहाँ दोस्त के यहाँ से, एक सिटी है नियर बाय, यहाँ से आई थिंक बाई बस आधे घंटे लगते हैं लोकल बस से, एंड 25 रुपये कुछ किराया है, तो दो लोगों का 50 रुपये, मतलब 1 मंथ में हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने को नहीं है सिटी में, बस बस अब एक दिन गया था बट उस दिन वीडियो बनाया नहीं, तो सोचा कि चलो जाने से पहले एक बार थोड़ा चक्कर मार लेते हैं और कुछ होगा इंटरेस्टिंग तो वीडियो बनाया जाएगा। बाकी हमें कुछ कैश चाहिए एंड और प्लान है हमारा आज जाने का सेकी, जो कि नॉर्थ में आता है, सॉरी नॉर्थ नहीं, हाँ नॉर्थ में वेस्ट साइड में आएगा, आई थिंक ईस्ट साइड आएगा। राहुल ईस्ट आएगा कि वेस्ट आएगा? वेस्ट आएगा, राइट। हाँ तो या तो नहीं 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 सेकी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में इनका पड़ेगा अजरबैजान का। और यहाँ पे कुछ चार्जर है, हल्का भी लगता है, कुछ इसमें है ही नहीं, बट लोगों ने ऐसे क्यों फेंका है। तो यहाँ से बाकू से करीबन 5 घंटे लगते हैं भाई बस, और बस का किराया कुछ 600 रुपये है। तो हम लोग का प्लान है कि नाइट बस लेने का, बिकॉज नाइट में ट्रैवल करेंगे तो स्टे का कॉस्ट आप बचा लोगे, एंड और कोई मतलब भी नहीं है शाम को पहुंचना, फिर होटल में स्टे करना, फिर नेक्स्ट डे अगेन। तो हमारा प्लान है कि जितना कुछ टाइम लिमिटेड है, एक दिन में 2 दिन में जितना घूम सकते हैं, अब घूमने का भी कुछ बहुत चिल कर लिया, रेस्ट कर लिया। सो लेट्स सी। और ये है गली रास्ता जो हम लोग 4-5 दिन से वॉक कर रहे हैं। ये जाता है सीधा मेन रोड, इसके बगल में है, ये ऐसे ही ऑफ रोड है जो रेसिडेंशियल एरिया है। और ये देखो इधर, इधर भी इंडिया जैसा हाल है, जहाँ खाली जगह दिखता है लोग कचरा फेंक देते हैं। तो माइंडसेट हर जगह का ऑलमोस्ट, मतलब जहाँ भी यहाँ ईजी लगता है, यहाँ भी कचरे मतलब कलेक्ट करने वाले नहीं आते हैं। बाकू में तो बहुत टिप टॉप है, मतलब एवरीथिंग इज़ मेंटेन, बट इधर भी वैसा ही है, कंट्री साइड में भी वैसा ही, मतलब जाओगे तो आप इतना अच्छा नहीं है, आप रोड देख ही रहे हो कैसा है, बारिश में यहाँ भी किच वो पानी भर जाता है। तो सिर्फ बाकू ही, मतलब जितने भी ऑयल का पैसा वो लोगों ने लगाया हुआ है। और ये अनार का पेड़ यहाँ पर, अनार और अंगूर आपको हर जगह दिख जाएंगे, और एक अंजीर भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ आगे रास्ते में मिलेगा, वो भी बहुत कॉमन है। और यहाँ पे दीवार ऐसे, मतलब प्रॉपर रॉक वाले यूज़ करते हैं ये लोग, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहता है, तो ठंड के हिसाब से ये लोग अपना घर बनाते हैं। गर्मी 4-5 महीने ही रहता है, ऊपर से फिर भी हवा बहती रहती है, तो इंडिया जैसा तो गर्मी नहीं रहता। अब यहाँ से ये गली लेना है और सीधा ये निकालेगा, फिर वहाँ से लेफ्ट और फिर राइट, फिर डायरेक्ट बीच पे। ये रहा अंजीर, ऐसे पेड़ होते हैं अंजीर का, आई डोंट नो इंडिया में उतना कॉमन है कि नहीं है। अब देख रहे हो फ्रूट्स लगे, और ये येलो वाला ऊपर में जो दिख रहा है वो पका हुआ है, अंदर से बहुत मीठा होता है, बट आपको मैं ऐसे दिखाऊं। मे बी ये वाला एक, ये देखिए ये होता है पेड़, लाइक मोदक जैसा है ऑलमोस्ट, मुंबई में महाराष्ट्र में बनाते हैं मोदक, लेकिन ये पक्का उतना नहीं लग रहा, दूध निकल रहा है इसमें तो। वही वही सेट तो बह गया। या ये ऐसा दिखता है अंदर से, अभी तो पक्का नहीं है, यानी तो ये पूरा ये जो है ना रेड हल्का दिख रहा है, पूरा रेड रहता है। और अभी आई डोंट थिंक ये खाना चाहिए हमें। सो ये आ गया और द मेन रोड, अब यहाँ से हमें बस लेनी है, 586 करके बस है, तो यहाँ पे राइट में गाड़ी चलाते हैं, तो उस सब राइट में हमें जाना पड़ेगा। ओके
वीडियो क्रॉस करो। बस में आगे है ना, इधर है। हाँ आगे में, तो आगे की तरफ बस स्टॉप है और आज समुद्र जो है वो पीछे दिख रहा है आपको। अच्छा खासा ब्लू है आज तो। आई थिंक वो बस आ ही रही है क्या, तो अच्छा लग रहा है यही बस है। 585 तो अभी पहुंच गए सिटी एंड ये है यहाँ का मार्केट। और ये जो बस है ऐसे स्टैंड पे रुक जाती है, बहुत पुराने बस है, उतना कोई लग्जरी बस नहीं है। और वैसे ये बस आ रही है, मतलब बाकू वाला बस अच्छा था, ये वाला फिर भी ठीक है, अगर एसी वाला है। हमारा वाला कॉमन नॉर्मल। और कबाब, चिकन, मीट हर जगह यहाँ मिलेंगे आपको। एक स्क्वायर आ गया हम लोग। आई थिंक आगे भी जाके एक मार्केट है लोकल। अभी इधर कुछ है तो नहीं, बस ऐसा ही है मार्केट। आप देखो ये सारा दुकान ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। जूते चप्पल 50% ऑफ चल रहा है। एंड यहाँ पे क्या है, कान गंजी, टी शर्ट, चश्मे। आई थिंक ये ज़्यादातर शाम के लिए अच्छा रहता होगा ये, बट जैसा मैंने बोला गर्मी है लेकिन हवा चलती है यहाँ पे तो इतना ख़राब नहीं है। ये देखो 9 मन्नत का मिल रहा है, अराउंड 500 रुपये का टी शर्ट है, ठीक है। बट इससे इंडिया में तो 200 रुपये मिल जाएंगे। एंड और क्या, काफ़ी दुकान है यहाँ पे। बट एक बात है कि कंपेयर टू बाकू ये जगह सस्ती है शॉपिंग करने के लिए, और खाना पीना भी यहाँ पे लगता है सस्ता है। बाकू में तो आपको 10 मन्नत का कुछ दिखता ही नहीं है, 20 मन्नत से स्टार्टिंग। जैसे ये कपड़े भी हैं एंड वहाँ पे जो रेड कलर का वो लगा है एटीएम जैसा दिखता है ना, वहाँ पे आप जाके अपना बस जो कार्ड है वो रिचार्ज कर सकते हो, या अपना मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हो। अभी हम लोग रिचार्ज करने वाले हैं तो चलो दिखाते हैं आपको कैसे कर सकते हो। मैं भी फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ। रिच सी कॉम कर दिया, नंबर डाल दिया मैंने, और एक बजर बजर मन्नत डाला। नेक्स्ट ब्रिंक आ गया आपका ब्रिंक, और आपका नंबर रिचार्ज हो गया। पेटीएम हैज बीन एक्सेप्टेड 1 अमाउंट, सो इट्स डन। आ गया है ना नंबर, तो नंबर आ गया है। तो इंग्लिश ऑपरेटर मोबाइल एंड सिम हमारे पास अजर सेल है, तो अजर सेल फिर ये नंबर डालना है। डालिए और एक मन्नत रिचार्ज करना है तो एक मन्नत निकालो ऐसे यहाँ डालें, और ये देख लिया गया अंदर। तो जो हमारा सिम कार्ड था वो रिचार्ज तो हो गया है एक मन्नत, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे है कि पैकेज आपको पहले पैसा डालो और फिर आप वो पैकेज चूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली जो पैकेज स्टार्ट होता है 3 मन्नत से स्टार्ट होता है, टिल 6 देन 10 20, तो 3 मन्नत मतलब 3 GB आई थिंक, गीगाबाइट GB जो देते हैं यहाँ पे।
तो हमने तो अभी एक ही मिनट डाला है बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि कैसे क्या होता है, लेकिन जो दोस्त ने बोला कि नहीं 3 मिनट डालोगे तब जाके वो रिचार्ज कर सकते हो, तो फिर अगला कहीं मिलेगा मशीन तो करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ATM खोजने, यहाँ पे ABB करके एक ATM है जिसमें पैसे आपको नहीं लगते हैं, मतलब वो बैंक चार्ज नहीं करती है, सिर्फ जो मेरा इंडिया वाला बैंक है वो 100 रुपये चार्ज करता है, बाकी अच्छा खासा रेट दे देता है। और लग रहा है ये तूफान आने वाला है, तो भाई ज़्यादा ही हवा चल रहा है और दुकानें हैं इधर मस्त, सैलून भी है। बाल कटवाना था यार, लेकिन इधर बाल कटवाना बहुत महंगा है, अराउंड 1,200 रुपये लगेंगे। हाँ आप 1,020 मिनट, मतलब हाँ 1,000, इससे कम का बाल आपको सैलून बहुत ही कम जगह मिलेगा। इससे यहाँ पे एक सैलून है, मैं भी जाकर पूछ के देखता हूँ, लेकिन लोग बिजी हैं तो कोई नहीं बाद में। और कौन कौन सा जगह गया, लग रहा जैसे चर्च है, बट चर्च तो है नहीं वो। फिर एक तरह का स्क्वायर है, रशियन में जितने भी सोवियत कंट्री ऐसे मतलब चीज़ें दिखते हैं। गौरी है, देखो लाडा जा रही है टैक्सी, अभी तक इसमें बैठा नहीं है यार, एक बार बैठना है अपने को। ये भी कोई स्क्वायर ही है यहाँ पे, और है यहाँ पे स्क्वायर पे ऐसे गार्डन्स, मतलब आपको हर जगह दिख जाएंगे। ये तो फिर भी छोटा मोटा है, बहुत है, बैठने का भी नहीं है, लेकिन बहुत जगह पर ज़्यादातर बैठने के लिए रहता है। अच्छा 7 सेकेंड है, भागो भाई। बाकी इधर रेस्टोरेंट आपको हर जगह दिखेंगे, लाइक जहाँ गए जहाँ बैठो चिल करो पैसे उड़ाओ खर्चे करो। इधर चलते चलते बहुत थक गया हो, लाइक सो अभी एक पार्क है, पार्क के पास लाइक इधर बेंच भी नहीं है, नॉर्मली अजरबैजान में पार्क्स बहुत हैं, वहाँ पे बेंच पे आप आराम से बैठ सकते हो, बट इधर पार्क तो है छोटा सा लेकिन उधर कोई बेंच है नहीं, तो बस ऐसे ही एक पेड़ का कटा हुआ है तो बैठे हैं। और वो भाई उधर पानी लेने गए थे, आगे पानी लेके कुछ गर्मी तो है यहाँ पे थोड़ा, और मोस्टली हमने आई थिंक 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया है, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। इसके बाद एक मार्केट है यहाँ पे, तो हम सोच रहे हैं कि जो मेरे दोस्त है यहाँ पे लोकल उनके लिए कुछ खरीद के ले जाने के लिए, लाइक मार्केट में नॉर्मली चीज़ मिलता है, पनीर एक्चुअली बोल सकते हो आप, और तो क्या मीट है ये सब तो नहीं ले जाएंगे, तो सोच रहे कि पनीर जो है वो ही सही रहेगा बिकॉज वो लोग पनीर बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसा गिफ्ट ऐसा सेइंग थैंक यू सो चाहिए ना। ये देखो यहाँ पे लाडा काफ़ी चलती है, आपको पता ही होगा रशिया सोवियत यूनियन का मतलब सबसे फेमस कार है, और कैसे ये लोग यूज़ करते हैं इसका। सोफ़ा भी बांध लिया है मस्त, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, काफ़ी मजबूत होता है अभी भी, मतलब इसका क्वालिटी और अदर क्वालिटी आज का मार्केट में आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सुपर मार्केट इन अजरबैजान, पास्ता 1.39 लाइक ऑलमोस्ट 80 रुपये का है, ये चीनी 1.5 किलो का 125 रुपये का, 125 का 1.5 किलो महंगा ही है। पास्ता है, पास्ता पास्ता न्यूट्रेला हाउ मच इट इज लाइक अराउंड 280। चाय 100 रुपये, 250 रुपये, शुगर है यहाँ पे, तेल 180 रुपये का तेल है, ये 1 लीटर या 1 लीटर का तेल है, सनफ्लावर
कॉफ़ी आपको 200 रुपए के, पता नहीं ये वाले हैं, नहीं ये तो अलग है, शायद ऊपर वाला जो है 150 रुपये, 200 रुपये का। कर्ट आपको दिखाते हैं दही कितने का मिलती है। दही यहाँ पे है 40 रुपये अराउंड, हर तरफ का दही है। दूध है अराउंड ये 150 रुपये का 1 लीटर, आधा लीटर मिले तो ये भी दूध नहीं है तो कुछ और है यार। टी शर्ट लिया है करीबन 350 रुपये का है, करीबन 8 मिनट का है, मतलब 400 रुपये का हो गया। और ये मोजे हैं करीबन हमने लिया है 3 मिनट का, 150 रुपये का 3 है, 50 रुपये का एक सेट, जो उतना भी महंगा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो महंगी भी है सस्ती भी है, जैसे ये ब्लैक शूज़ के लिए करीबन 180 रुपये का है, और ये वाइट मेरा जैसे शूज़ है तो यहाँ पे ये है करीबन 400 रुपये का। और जो मैं एयरबीएनबी अपार्टमेंट में रह रहा था वहाँ पे ये था तो अच्छा है, लेकिन बहुत, लेकिन 400 रुपये थोड़ा महंगा है। तो है जो आपको यूज है ले सकते हैं। यहाँ पे सॉसेज है, ये मीट को ये लोग बनाते हैं, सो काट के आप राउंड राउंड फ्राई कर सकते हो, अराउंड 700 रुपये का है एक। ये वाला कुछ कितना है, 8-9 मन्नत का है ये, 550, मतलब 400-500 से कम का नहीं है एक, 100 से। ये गोट का है बकरा, कुछ पैक भी नहीं है ये, 3-4 मन्नत का करीबन 180 रुपये का। ये बीफ है, ये आई डोंट नो, दिखा भी नहीं है, ये तो बीफ है नहीं, या ये तो महंगा भी है, 23 मन्नत लिखा हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 1,300 रुपये का है। फेमस बकलावा है लेकिन इसका कुछ महंगा है, 7 मन्नत का है, नॉर्मली 4 मन्नत में मिल जाते हैं, अराउंड 5 पीस, इतनी ज़्यादा है इसमें तो। और यहाँ का तंदूरी रोटी देखिए कितना बड़ा है, 80 रुपये का है, करीबन 5 पीस है, तो भी सही है। और ये वेजिटेबल्स अभी हम लोग आए हैं लोकल मार्केट, यहाँ पे फूल पत्ती तरबूजा, ओके इट्स क्वाइट ह्यूज, अच्छा और ये पता नहीं क्या है, मीट, मोस्टली मीट है इधर ज़्यादातर, आई थिंक बीफ होगा, चीज़। ये यहाँ का ड्राई फ्रूट्स, मोस्टली ड्राई फ्रूट्स, ये वही है क्या वो, ये जो उनके गार्डन में लगा हुआ था ना, क्या ये है, तो अखरोट है, अंजीर आते हैं, हाँ अंजीर नहीं है, मोस्टली अखरोट और या प्लम्स का हो सुखा के, वो किशमिश पे दाम, काजू इधर होता नहीं है अजरबैजान में तो महंगा, अखरोट आई थिंक सस्ता है, दाम ऑलमोस्ट सेम प्राइस। और ये फूलों का कुछ है शायद, इसका चाय बनाते हैं, मसाले दिख रहे हैं, हल्दी है, मिर्चा है, सॉप्स है, इतने ज़्यादा तो नहीं है,
सब्जी बाजार है अजरबैजान में ये। और ये देखो साग सब्जी, आलू, तो बाबूस का इधर पीछे गुस्सा है ये। और डेट्स, अखरोट काफ़ी लगता है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग, खरीदना पड़ेगा। और ये अचार, अचार ही है ना, हाँ मतलब अचार, उसमें उन्होंने क्या करते हैं खीरा को लेमन के साथ, लेमन नींबू के पानी में डाल देते हैं, पैक कर देते हैं उसको। अच्छा मैं भूला ना जाऊँ, पहले उधर ही रहता हूँ। इधर का नींबू काफ़ी बड़ा होता है साइज में, और एक नींबू का कॉस्ट है 70 सेंट, इज लाइक 35-38 रुपीस का एक है, काफ़ी महंगा है इधर नींबू तो। सो अभी हम लोग पहुंच गए बाकू का मेन बस स्टेशन, और यहाँ से जो बस है आपको इंडिया